So, what's up guys? Welcome to the another episode of Prime and Techy. तो अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और आज हम बात करने वाले हैं अप्रैल के महीने में क्या क्या न्यू फोन्स और क्या क्या न्यू गैजेट्स लॉन्च होने वाले हैं. बेसिकली मैं फोन्स के बारे में ही बात करने वाला हूँ. तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं. तो आज हम बात करने वाले हैं फोन्स के बारे में. तो पहला फोन जो अप्रैल के महीने में आ सकता है और आएगा ही वो है रेडमी का 7 और रेडमी Y3. Y2 हमने देखा, बहुत ही अच्छा फोन था. 25 मेगापिक्सल उसका फ्रंट कैमरा था, डुअल कैमरा बैक था. तो यहाँ पे रेडमी Y2 का सेकंड वर्जन आने वाला है रेडमी Y3. तो रेडमी 7 आने वाला है चिपसेट स्नैपड्रैगन के 632 प्रोसेसर के साथ में और कपल्ड होगा वो 6.26 इंचेस फुल एचडी प्लस डिस्प्ले के डॉट नॉच के साथ और 4000mAh बैटरी के साथ. और यही सब स्पेसिफिकेशंस थे उसके. तो चलिए नेक्स्ट फ़ोन पे चलते हैं. तो नेक्स्ट फ़ोन आता है हमारा यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A70. हम लोग बहुत ही इंतज़ार कर रहे थे इस फ़ोन का, जो कि सैमसंग गैलेक्सी A80 लॉन्च हो चुका है बाहर US में. तो A70 भी आने वाला है अप्रैल के अंदर इंडिया में. सो ट्रिपल लेयर कैमरा होगा उस फोन का, 32 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर होगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा होगा और 32 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी भी देखने को मिलेगी इस फोन में. तो नेक्स्ट थर्ड हम बात करने वाले हैं नोकिया 9 प्योर व्यू के बारे में. नोकिया 9 प्योर व्यू जो है वो 5.99 इंच OLED डिस्प्ले के साथ में आने वाला है, 6GB रैम और स्नैपड्रैगन 845. हालांकि एक साल पुराना है स्नैपड्रैगन 845, पर इसमें एक इंटरेस्टिंग फीचर भी है. पीछे आपको 5-5 कैमरा देखने को मिलते हैं और बहुत छेद है फ़ोन के पीछे में. सो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन से कैमरा से आप फोटो खींचे. तो इसके बाद और भी कई छोटे छोटे फ़ोन हैं जो आपको फीचर फ़ोन है आपको नोकिया की तरफ से देखने को मिलेंगे. नोकिया 1+, नोकिया 3.2, ऐसे कई फ़ोन हैं नोकिया लॉन्च करने वाला है अप्रैल और मई के महीने में. सो उसके बाद नोकिया के बाद हम आने वाले हैं नेक्स्ट पे, जो कि है ओप्पो. ओप्पो का रेनो एंड रेनो लाइट. तो ओप्पो रेनो जो है वो एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर को सपोर्ट करेगा, 6.4 इंच स्क्रीन साइज होने वाला है और पॉपअप सेल्फी बड़ी वियर्ड शेप में है, एक तरफ से निकलता हुआ आपको दिखेगा इस फोटो में. सो नेक्स्ट ओप्पो के बारे में बात कर ली हम लोगों ने. तो उसके बाद हम अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है वीवो का आईकू. बड़ा है डेंजरस नेम है, मेरे तो स्पेलिंग ही नहीं आ रहा इसका, जो कि बात छोड़ो. और वीवो का आईक्यू है टोटली या गेमर सेंट्रिक फ़ोन है वो. स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन लेटेस्ट जो चिपसेट है स्नैपड्रैगन के 855, 8GB ऑफ रैम और 256GB ऑफ स्टोरेज के साथ आने वाला है और फुल स्क्रीन डिज़ाइन होने वाला है उसका. तो बड़े इंटरेस्टिंग फ़ोन लगता है, लॉन्च होने दो, फिर चेकआउट करते हैं इसको. और उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है. मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, साइड में जो घंटा का आइकन है उसे बजा के वीडियो के अंदर आ जाना. सो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रियलमी 3 प्रो के बारे में है. तो रियलमी 3 प्रो लॉन्च होने वाला है अप्रैल के 22nd में और काफ़ी अच्छा फ़ोन होने वाला है. मैं काफ़ी टेक यूट्यूबर से सुना है कि वो काफ़ी रेडमी नोट 7 प्रो से तो अच्छा ही है कि आप अच्छी तरह उसे यूज़ कर पाएंगे और काफ़ी अच्छा है रेडमी नोट 7 प्रो से. तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, जब लॉन्च होगा तब एक वीडियो लाऊँगा एक्सक्लूसिवली आपके लिए. सो स्टे ट्यून्ड. तो और नथिंग मच ऑन द फोन. सो नेक्स्ट हम बात करेंगे नूबिया रेड मैजिक मार्स के बारे में. वो भी एक गेमर सेंट्रिक फ़ोन है. तो 6.0 इंच स्क्रीन के साइज के साथ आता है, स्नैपड्रैगन 845. ये भी हालांकि एक साल पुराना है, पर अगर आपको 845 से अच्छा परफॉर्मेंस वो लोग निकाल के दे रहे हैं तो नथिंग मच टू वरी अबाउट. सो फास्ट चार्जिंग मिलेगा आपको, 6.0 की फुल एचडी प्लस की IPS LCD की स्क्रीन मिलेगी आपको. तो बैक फोन के बैक में एक इंटरेस्टिंग फीचर उन लोगों ने दिया है, एक RGB स्ट्रिप दिया है जो आप खेलते समय वो इल्यूमिनेट करेगा. सो बस दोस्तों यही था इस वीडियो में. तो मैं आज बात
करके गया कि अप्रैल में क्या क्या फोन्स लॉन्च होने वाले हैं. सो हिट द लाइक बटन इफ यू एंड अप लाइकिंग दिस वीडियो, देन प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. पीस.